मेरा नाम चित्रा सिंह है. हाउ आई गॉट मोटिवेटेड टू डू दिस इज़ क्योंकि मेरा बेटा जब 21 साल का था आई लॉस्ट हिम इन अ रोड एक्सीडेंट. और उन्हीं दिनों में मतलब एक दो दिन के गैप पे देयर वर 3-4 एक्सीडेंट्स. देयर वर टू डेथ्स इंक्लूडिंग माई सन विच वॉज द 4th एक्सीडेंट. इन दिस ऑल्सो देयर वर 2 डेथ्स. सो रेस्ट ऑफ देम ऑल वर इन कार्स. इसलिए हमने ये एक ट्रैफिक सेफ्टी का कैंपेन शुरू किया था विच वॉज इन डिसम्बर 2016. वो तब हमने ये चीज़ शुरू करी कि लेट्स बी द चेंज वी वॉन्ट टू सी. एंड आशियाना बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग हाउसिंग सोसाइटी तो हमने आशियाना में शुरू किया कि काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं. आई थॉट ऑफ टेकिंग इट अप एज अ टॉपिक टू इंट्रोड्यूस टू पीपल. एंड इंट्रोड्यूस भी इस तरह से करना चाहिए कि उनके अंदर बह जाए ये बात. माई नेम इज़ सीमा और मैं यहाँ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ. मेरे हस्बैंड और एक छोटा सा बेबी है जो अभी जस्ट 3 ईयर का कंप्लीट होने वाला है 1 अप्रैल को. मेरी लाइफ जो है ना ट्रेजिडी से भरा पड़ा है. थी मुझे जो है अराउंड मई या जून के करीब मैं मतलब कि अप्रैल में घर गई. घर से जब मैं वापस आई तो मुझे सबसे पहला ये हुआ कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया. तो फिर आगे जो ट्रीटमेंट जो आगे के होते हैं बायोप्सी वगैरह सारे हुए तो उससे डायग्नोज हुआ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. अभी ऐसी कोई उम्र नहीं थी मेरी, कोई और प्लानिंग थी, मैं किसी और चीज़ से गुजर रही हूँ. तो फिर मेरे तो जितने भी मेरे सपने थे वो सारे चकनाचूर हो गए. मैं जो लाइफ सोच रही थी कि अब आगे स्मूथ होंगे वो अब तो पूरी तरह से टूट गया. कहते हैं ना कि जब आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े ना तो खुद ब खुद हिम्मत आ जाती है. मुझे जब लड़ना ही है तो मैं रो के क्यों लड़ूं, मैं हंस के लड़ूंगी. ट्रीटमेंट 2012 के अराउंड ख़त्म हुआ था, मैंने 2013 में कंसीव किया. I'm Aruna Jhawar, a housewife, and I'm a resident of Ashiana Garden from last 13 years. My name is Mukta. I am Renu Bhatnagar. अंकल की जो एज है वो अराउंड 85 ईयर्स है और आंटी खुद 75 ईयर्स के हैं. आंटी की सिस्टर हैं जो कि 100 ईयर्स ओल्ड हैं. अंकल और आंटी कोलकाता से अपनी सिस्टर इन लॉ को यहाँ पर लेकर आए, उनका टेक केयर किया. एट दैट टाइम शी वॉज टोटली बेड रिडन एंड नो बडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हर. मतलब शी इज़ नॉट इवन स्टैंड, तो अब वो खड़ी भी नहीं रह सकती है. उन्हें खाना खिलाना, इवन उनका सब कुछ साफ सफाई करना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द बेड. और अंकल और आंटी ये कर रहे थे. सेकंड को अंकल को स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया, एंड एट दैट टाइम 4 फरवरी को अंकल एक्सपायर हुए. अब आंटी को वहाँ पर जाना पड़ा. नो वन इज़ देयर, यहाँ पर कोई भी नहीं था. फिर मैंने जो आशियाना का ग्रुप है हमारा सोसाइटी का, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाला. उसके थ्रू सोनी दीदी और रीनू दीदी फॉरवर्ड आए. यहाँ जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी जो मैं यहाँ आके ढूंढ रही थी, इसलिए मैं आगे आई क्योंकि मेरे को ये सब काम करके बहुत अच्छा लगता है. पूरा डे टाइम तो आई यूज्ड टू मैनेज दैट मेड, पूरा टाइम उसको गाइड करना एज सच. देन इवनिंग में हम लोग उनको इनको खाना खिलाना, पूरा इनको स्पॉन्ज बाथ देना. देन सर्दी बहुत थी तो वो सब भी, क्योंकि ये कपड़ा वगैरह सब भिगो देती थी सब कुछ, तो वो सब किया और मैनेज हो गया नो डाउट. बट वही है कि पता नहीं कैसे हुआ, हमें खुद भी नहीं समझ में आया कि हम लोग इतना सब कर जाएंगे. नेवर न्यू.